वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तो सुबह जो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो नव के साथ हो रही है, क्योंकि नव सुबह सुबह आया था मिलने के लिए। अब वो क्यों आया था वो व्लॉग में ही बताएगा सीधा। नहीं नहीं, वो तो देखते हैं, वो आएगा बता सही, फरमाइश क्या है तेरी ना। बता ना बता 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 नहीं नहीं रहने तो, नव की है कुछ फरमाइश। अब क्या फरमाइश है वो उसके चाचा को? आएगा तो मैं बता दूंगी। हाँ आएगा तो बिल्कुल सरप्राइज। तो नव के कुछ मंगवाना है तो उसके चाचू के पास आया है। अब क्या मंगवाना है वो अगर कंफर्म हो गया तो हम आपको बताएंगे, फालतू पचका नहीं करेंगे। हाँ। पर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, वही अब ऑर्डर करवाते हैं। मिट्टू बातें कर रहा है, थोड़ी सी बातें करवाते कैमरा है इसलिए बोल नहीं रहे। कैमरा पास में आते में ओ हो इतनी लड़ाई मुझे लगती नहीं है। काटते ये नहीं काटता है कई लड़ाई जो कर ना कर तो रेडी हो गई हूँ। अब एक बार मंदिर जाके आ जाते हैं। मांग पत्ना भूल गई, आके पढ़ दूंगी। मैचिंग आज तो हो गया। मैचिंग खुशबू कैसी आ रही है? कौन सा है? इवोक गोल्ड। या तुम्हारा रोज टेस्ट हो रहा है तो अभी मंदिर जाते हैं। हेलो, मंदिर गई थी। मंदिर से फिर आपने देखा ही होगा मैं शॉप पर थी, और शॉप पर फिर गई तो कस्टमर थे तो फंस गई, और वापस अभी घर आके खाना खाया। वापस से शॉप पर जा रही हूँ क्योंकि कस्टमर को 10 मिनट का टाइम देके आई थी। जल्दी आने का प्रयास करूँगी, प्रयास कर दिया और ये अब जा रहे हैं। सैलून का काम करके अभी हुए हैं फ्री, और ज्योति तो आगे गई है, आगे कुछ काम है इसलिए, और मैं भी अभी आगे जाती हूँ। प्यास लग रही, पानी पी लेती हूँ। मुझे हो गई है थोड़ी सी सर्दी आज, तो इन्हेलर लेके बैठी हूँ। कल जो गला दर्द हो रहा था उसकी वजह से हल्की हल्की खांसी आ रही है, और एक नाक बंद हो गया है। अभी आगे वाली शॉप पर बैठी हुई, हैप्पी भी आगे गए, उनको कुछ काम है। ज्योति अजय क्लाइंट्स को अटेंड कर रही है और आवाज़ भी मेरी चेंज लग रही होगी, बता रही एकदम से क्या हो गया है। अभी एक और स्ट्रेटनिंग करनी थी वो की मैंने, और अभी वही नाक मेरा बंद है इसलिए मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, बोलने का ही नहीं हो रहा है। एक नाक बंद है, हल्की हल्की खांसी आ रही है। पीछे परफ्यूम पे अभी चल रहा है फुल ऑफ, तो शादियां भी है क्योंकि शादी यानी एक परफ्यूम ख़रीदने का बहाना है शादियां, और मज़ा ही आ जाएगा परफ्यूम से यूज़ करोगे तो। चिकू आ गए मेरे को लेने के लिए, और अब करेंगे शॉप मंगल। और आपने जैसे कि मेरे को पूछा है कितने जनों ने कमेंट सेक्शन में और मेरे इंस्टाग्राम पे कि डैंड्रफ के लिए कोई अच्छा शैम्पू बताओ, तो मैंने डैंड्रफ के लिए अच्छा शैम्पू तो बता ही रखा है मेरे व्लॉग में। तो मैं आपको आज डैंड्रफ के लिए सबसे पहले बताने वाली हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के अंदर जो है डैंड्रफ के लिए ऑयल है वो। तो डैंड्रफ के लिए जो ऑयल है वो है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल हमारे बालों में से जो डैंड्रफ है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। सिर्फ शैम्पू अच्छा यूज़ करने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ हेयर में ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे हमारे जो यानी बालों के अंदर के जो न्यूट्रिशन है वो हमको ऑयल से मिलते हैं। डैंड्रफ से ओनली फॉर हम स्काल्प क्लीन करते हैं, पर ऑयल से हमारे अंदर डेप्थ तक बालों की
रूट्स क्लीन होते हैं, यानी डिटॉक्सिफाइड होते हैं, और साथ ही साथ हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है ऑयल। ऑयल क्यों ज़रूरी है ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, और अब मैं आपको बताती हूँ इनकी जो गुडनेस है वो, तो मैं गुडनेस के बारे में भी बताती हूँ। और टी ट्री अपने हेयर हेयर में से डैंड्रफ को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और टी ट्री हमारे बालों को और हमारे फेस को यानी डी फंगल करता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जिससे एक डैंड्रफ भी क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है, और फंगल इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए टी ट्री काफ़ी हेल्प करता है। तो टी ट्री ऑयल हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा है डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। फिर आ जाता है सेकेंड एसेंशियल ऑयल जो कि है टी ट्री। टी ट्री का मैंने आपको शैम्पू अभी ऑयल बताया है, तो ऑयल मैंने जो वो बताया है ऑयल है, और ये है एसेंशियल। अगर आप कोकोनट ऑयल का एक बहुत ही बड़ा यानी क्या कहते हैं ऐसा र्यूमर्स फैले हुए एक भ्रांति है कि कोकोनट से डैंड्रफ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली फॉर कोकोनट हमारे बालों में ठंड की वजह से फ्रीज हो जाता है, और वो हमारी स्कैल्प को कभी भी ड्राई नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर तो होता ही है। अब किसी को सूट नहीं होता है वो एक अलग बात हो जाती है, पर कोकोनट के अंदर आप ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करके लगाते हो तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। क्योंकि चिकू भी अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि कैसे हमने ये कोकोनट ऑयल बनाया था। 2-3 ड्रॉप्स हमको 20 ml ऑयल के अंदर डालनी होती है, और उसके लिए आप कोई भी अच्छा कांच का जार ही लो तो अच्छा है उसके लिए स्टोरेज के लिए। और आप कोकोनट ऑयल देख सकते हो, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, और इसी के अंदर साथ ही हमने ये जो इसकी पैकेजिंग है वो जार के अंदर है। जार के अंदर जो पैकेजिंग होती है वो यानी कभी भी हमको जार के अंदर जो भी पैकेजिंग है उसको कभी भी हमारे फिंगर से वगैरह नहीं निकालना है, क्योंकि वो जो भी प्रोडक्ट होता है वो इन्फेक्ट होता है। तो हम ये ध्यान रखना है कि हम जार के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इवन आगे इसके साथ मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे रही हूँ, अगर हम फेस क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं, इवन ये ही फेस क्रीम है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की, अगर आप ये फेस क्रीम यूज़ कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट आपकी फिंगर अंदर इंसर्ट नहीं करनी है। हमको कुछ भी लेने के लिए एक स्पून वगैरह कुछ रखना है, क्योंकि हमारे हैंड्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी जर्म्स होते हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट है वो डैमेज होता है। हैंड को वॉश कर दो, पर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही रहता है कि आप एक स्पून रखो ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं हो और इन्फेक्ट नहीं हो। तो आपको समझ में आ गया कि कोकोनट ऑयल आपको आपके बालों में कैसे यूज़ करना है। तो जो कोकोनट ऑयल के लवर्स हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि बालों में डैंड्रफ होगी इसकी वजह से, क्योंकि ये जो कोकोनट ऑयल है वो इतना ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये हमारे हैंड की वार्मनेस से ही पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ये अगर हम हाथ में ही पकड़ेंगे ना तो वो पिघलना चालू हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि हमारे स्कैल्प है वो ड्राई हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कोकोनट ऑयल हमारे बालों में डैंड्रफ क्रिएट नहीं करता है, और अगर डैंड्रफ है तो उसको भी आप हटा सकते हो कोकोनट ऑयल की ही मदद से, जो कि मैंने आपको बताया है टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करके। अब नेक्स्ट ब्रांड में हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारी मामाअर्थ। मामाअर्थ में भी आपको कोकोनट ये टी ट्री का ही ऑयल है, जो कि डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छा है डैंड्रफ फ्री हेयर्स बनाने के लिए, क्योंकि डैंड्रफ एक बालों का बहुत बड़ा इशू है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसकी वजह से हमको ब्रेकेजेस भी आते हैं, फ्रिजीनेस भी आती है, एंड इचीनेस भी होती है, जो कि हमारे मूड को इरिटेट करती है। सो टी ट्री हमारे बालों से डैंड्रफ हटाने के लिए काफ़ी कारगर माना गया है, और कारगर है भी सही। तो मामाअर्थ में भी सेम प्रोडक्ट है टी ट्री, जो कि हमारे बालों से डैंड्रफ को रिमूव करेगा एंड फ्री फिर हमको। और अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट के पास, और वो प्रोडक्ट है कमॉल, वो है हमारा गुड हेयर। गुड हेयर है वो भी बालों के मेन बालों के डैंड्रफ को ही मद्देनज़र रखते बनाया गया है। फर्स्ट ये ऑयल है गुड हेयर का, बालों का ब्रह्मास्त्र। इसमें 28 हर्ब्स एंड 7 ऑयल्स मिक्स किए हुए हैं, और ये ऑयल हमारे बालों को बिल्कुल डैंड्रफ फ्री बनाता है, और साथ ही साथ हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसके अंदर कितने हर्ब्स दे रखे हैं, सारी ब्रांड ने यहाँ पर डिटेल भी दे रखी है कम्प्लीटली, कि कौन सा जो इंग्रेडिएंट है वो कितना यूज़ हुआ है इस ऑयल के अंदर, और ये क्या बेनिफिट करेगा हमारे बालों को, और ये हमारे बालों को डैंड्रफ फ्री और हेयर ग्रोथ भी बनाएगा, और हमारे बालों को स्ट्रेट एंड सिल्की भी बनाएगा। क्योंकि स्ट्रेट हेयर्स जो होते हैं वो हेल्दी हेयर की एक निशानी मानी जाती है, क्योंकि हेल्दी हेयर जिनके भी होते हैं उनके स्ट्रेट होते हैं। तो गुड हेयर बालों को काफ़ी हद तक स्ट्रेट करता है, क्योंकि मेरे जो भी कस्टमर है उन सब ने मुझे फीडबैक यही दिया है कि गुड हेयर बालों के लिए बहुत अच्छा है, और मेरे बाल उससे काफ़ी स्ट्रेट हो गए, क्योंकि बहुत जनों को स्ट्रेट हेयर्स पसंद होते हैं।
और मैंने जो फर्स्ट मैंने आपको इस ऑयल से इंट्रोड्यूस करवाया था तभी मैंने बताया था बालों का ब्रह्मास्त्र, जैसा इसका नाम है बिल्कुल काम भी इसका ऐसा ही है, बालों का वाकई ये ब्रह्मास्त्र है और ये उसका काम बिल्कुल। और मैंने आपको अभी तक जो भी प्रोडक्ट बताए हैं और जो भी ऑयल बताए हैं वो सारे हमारे बालों के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। तो बिल्कुल आपके बालों से इससे डैंड्रफ रिमूव हो जाएगी। और शैम्पू के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऑयल के बारे में भी आज बता दिया है, तो आपको फुल पैकेज मिल गया है। तो अब इसके बारे में आपको आई होप कोई कन्फ्यूजन भी नहीं बचा होगा। और आप और भी मेरी शॉप में किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिला और आपके कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करूंगी। और अब हम चलेंगे घर पर। एंटोर का मांग रही है वॉशिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, चिकू साथ ही साथ मेंटेन कर रहे हैं, पर कल तक तो चिकू वॉश कर देना है ना, कल नहीं परसों, कल साथ ही इसको पॉलिश भी लगा देना, चमकती हुई मस्त लगती है। घर पर आ गई हूँ और अभी हैंड्स वगैरह वॉश करूँगी और फिर खाना बनाएंगे। खाने में आज हमने बनाया है घर पर, मम्मी ने पकौड़ियाँ बनाई थी और मैंने मैंने खिचड़ी बनाई है। तो ये खिचड़ी हमारी बन रही है और ये मम्मी ने पकौड़ियाँ बनाई थी जो कि सपने खाली है मुझे छोड़कर, क्योंकि मेरी तबीयत क्या ख़राब थी तो इसी वजह से मैंने नहीं खाई पकौड़ियाँ, क्योंकि पेट में ही मेरे को दुख रहा था फालतू ज़्यादा दुखे गए करके मैंने पकौड़ियाँ नहीं खाई। और चिकू को आज ही आइसक्रीम भी लानी है, आज ही पकौड़ियाँ भी खानी है, सब आज ही करना है उनको। मेरी तबीयत क्या, आइसक्रीम तो मैं खाऊंगी, सर्दी खांसी आइसक्रीम खाने से थोड़ी होती है, आइसक्रीम तो मैं खाऊंगी, मेरा पेट में और सही हो जाएगा। कोई बात नहीं ना राज, इतने से कैसे होता है, नहीं हो कुछ नहीं होती है। कृपया करके मेरी ऑडियंस को बताइए आप कैसे काटते हो। मेरा बड़ा वाला चाहिए, मेरा वाला चाकू इधर अच्छे से रख के फिर काटना ना। और कुछ है क्या, और कुछ लाए क्या, बड़े बदमाश हो। ये मेरी प्लेट, ठीक है, तेरे को मिलेगी 31। ओके ठीक है, कम ही मिलेगी, ठीक है, ये हो गई तेरी और मेरी हो गई ये। तो तुम ज्यादा क्यों ले रहे हो, मेरा जुकाम बाकी है। दाम यूं मार मार खाओगी तुम, ठीक है, अभी ये बाद में मम्मी और मुझे। अगर आपको भी फैमिली पैक खोलने में प्रॉब्लम होती है तो इस टाइप से आप खोल सकते हो, जोरदार लगा ना आइडिया। इसमें कितने जने तो ऐसे ही काटते होंगे हालांकि, पर जिनको नहीं पता था उनके लिए बहुत अच्छा हो गया ना। इजी रहता है वो, चम्मच से निकालना वो सही नहीं रहता। अभी ये स्लाइड करोगे, इस रूमर पे ध्यान नहीं दे कि सर्दी आइसक्रीम की वजह से होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइसक्रीम की वजह से कभी भी सर्दी नहीं होती, अगर आइसक्रीम खा रहे हो तुरंत पानी पी लो, गले में ना कुछ बचेगा ना ही सर्दी होगी। आइसक्रीम खा के तो यहीं पे बैठ गए, खिचड़ी बनाई है वो कौन खाएगा, पर चिकू का जो डर्मा रोलर है, चिकू का जो बॉम्बे शेविंग का डर्मा रोलर है वो उन्होंने थोड़े दिनों से यूज़ नहीं किया है, तो उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करने के लिए मैं एक बार गर्म पानी में धो देती हूँ। ये हमारी शेविंग जो रुकी हुई है उसको लाने में हेल्प करता है, हमारी नहीं बॉयज़ की। और ये इस टाइप का कुछ आता है जिसके अंदर बारीक 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 कांटे जैसा बना हुआ है, ये हमारे पोर्स को ओपन करता है और उसके अंदर हेयर उगाता है बॉयज़ के लिए, वापस से बोल देती हूँ। गरम पानी कर दिया है, इसको 2 मिनट इसके अंदर डिप कर दूंगी ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। वाओ नाइस है, ये वॉश करके मैं ले आई हूँ, आज चिकू यूज़ करेंगे। और अभी हम देखने वाले हैं, नई मूवियाँ तो सारी ख़त्म हो गई है तो अब हमको पुरानी मूवी देखनी पड़ रही है, तो पुरानी मूवी में हम देखने वाले गजनी से कुछ याद आ रहा होगा आपको, गाने आजकल सुन रहे थे गजनी के, तो मैंने कहा गजनी मूवी, मैंने क्या कहा, चिकू ने कहा कि गजनी मूवी देखते हैं, तो आज हम देखेंगे गजनी मूवी। अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बिट्टू भी बोल रहा है पीछे पीछे, देख लो। ओके बाय, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में।